वेलकम टू प्लांट बाजार। तो किसान साथियों, आज हम आपको दिखाएंगे एप्पल वेयर का जो कश्मीरी सुंदरी जो वैरायटी है, वो वैरायटी आप देख सकते हैं कि ये एप्पल वेयर के अंदर जितना सारा वैरायटी आया है उसमें काफ़ी सुंदर देखने वाला जो वैरायटी होता है कश्मीरी सुंदरी, ये देखने में ओवल शेप में होता है। तो आप देख सकते हैं कि पेड़ में पूरा भरपूर लगे हुआ है, देखने में बहुत सुंदर लगता है क्योंकि रेडिश कलर होता है और ऊपर का जो चमक है वो बहुत बढ़िया चमक होता है। तो साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि एप्पल वेयर के अंदर दो तीन चार वैरायटी आया है अभी। तो इंडिया के अंदर जितना सारा एप्पल वेयर का खेती हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा खेती होने वाला वैरायटी जो है वो कश्मीरी सुंदरी एप्पल वेयर है। तो आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा करके पकड़ा है कि एक भी टहनी ऐसे नहीं है जिसमें फल नहीं लगे। और जो पेड़ आप देख रहे हैं, पेड़ का उम्र ज़्यादा नहीं हुआ, आफ्टर प्लांटेशन इसका 6 to 7 month ही हुआ है। तो पेड़ में अब पूरा भर भर के फल लगे हुआ है। तो बहुत सारे किसान पूछते हैं कि एक मेच्योर पेड़ में कितना फल पकड़ सकते हैं, कितना वजन। तो उनके लिए हम बोलेंगे कि एक मेच्योर जो एप्पल बेर होता है उसमें 40 kg से 50 kg तक मेच्योर पेड़ में आसानी से फल लग जाता है। तो साथ ही साथ इस तरह एप्पल बेर का जो लगाने का जो प्रोसेस है, किस तरह लगाना चाहिए, कैसे लगाना है, तो लगाने का जो मेन बात होता है कि डिस्टेंस, सही डिस्टेंस होना ज़रूरी है। तो सही डिस्टेंस माना जाता है एप्पल वेयर के अंदर 10x12 डिस्टेंस जो होता है वो सही डिस्टेंस होता है। अगर कोई भी किसान इसको खेती करना चाहती है तो नीचे जो नंबर दिया है इसी नंबर पर आप संपर्क कीजिए, तो आपको जो ऑर्डर रहेगा हम नियर बाय आपको रेलवे स्टेशन तक भेज देंगे। और साथ ही साथ एक बात बता दूँ कि अगर कोई भी किसान जो हमारे पास से प्लान खरीदते हैं उनको पता है कि हम प्लांटेशन से शुरू करके हार्वेस्टिंग तक जितना सारा आपको प्लान लगाने के बाद जितना सारा प्रॉब्लम आपको फेस करना होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा कीड़ा लगता है, तो उनका जानकारी जो है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। कौन सा दवा इस्तेमाल करना है, किस तरह का फार्मिंग करना है, पूरा जानकारी हम आपको देते हैं। ये जो आप जो फल जो देख रहे हैं ज़्यादा दिन का नहीं हुआ है, जस्ट फूल से कन्वर्ट होकर फल में पकड़े हुआ है, तो अभी बहुत छोटा है। तो इस टाइम पूरा आप देख सकते पूरा लाल हो चुका है और साथ ही साथ आप देखेंगे कि पूरा अंगूर जैसा गुच्छा में पकड़ता है। तो इस तरह का फार्मिंग का वीडियो आपको देखना पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर हमारा चैनल में नया होते तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आपको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो देख के थोड़ा बहुत खेती करने का जो नॉलेज है वो भी जानकारी आपको मिल सकते है। तो वीडियो का लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।